बेसिक सिम्टम्स नहीं रहे अभी। पहले था कि फीवर, कफ, किसी को ब्रेथलेसनेस हो रही है तो कोरोना है, लेकिन आज की डेट में डायरिया हो गया, पेशेंट को वीकनेस है बहुत ज़्यादा, आई के सिम्टम्स हैं, कंजक्टिवाइटिस, यूवेआईटिस आप कह सकते हैं, और इवन हार्ट अटैक के साथ भी, कार्डियक अरेस्ट के साथ भी हैं पेशेंट्स। कार्डिक अरेस्ट के साथ भी? बिल्कुल बिल्कुल, हार्ट को भी इन्वॉल्व कर रहा है, और अभी ब्लड क्लॉटिंग के भी चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तभी हम पेशेंट को ब्लड थिनर्स भी देते हैं एज अ पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट इन कोविड पेशेंट्स। नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव बंसल हांसी की आवाज़ से, आप देख रहे हैं हांसी की आवाज़। कोरोना की दूसरी लहर कहर बनकर बढ़ती है। हिसार जिले के अंदर 2700 केस के लगभग एक्टिव हो गए हैं, हांसी में 100 का आंकड़ा पार कर गया है, देश के अंदर भी ये कहर बढ़ रहा है। तो आज हम बैठे हैं नेकी राम मेमोरियल चैरिटेबल हॉस्पिटल के अंदर। एक लीडिंग स्किन स्पेशलिस्ट है दीप्ति कटारिया, जो MD स्किन है, और जिन्होंने लीलावती हॉस्पिटल में भी काम किया है। हांसी के लिए ये एसेट हैं। इनके हस्बैंड जो हैं वो DM हैं, वही बताएंगी। और ये एक अच्छे एक ऐसे परिवार से बिलोंग करती है, इनके जो मौसा जी हैं डॉक्टर रंजीत सैनी जी, जो वन ऑफ द लीडिंग डॉक्टर हैं, और दीप्ति कटारिया भी वन ऑफ द लीडिंग स्किन स्पेशलिस्ट हैं। तो इनसे कोरोना वायरस के बारे में जानेंगे कि ये सेकेंड वेव क्या है, क्या ये स्विर होके आया है, इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है, और ये इतना स्प्रेड आउट क्यों हो रहा है। पहले हम समझते थे कि ये वायरल ही है, तो वायरल का कोरोना का टेस्ट करा ले। तो सबसे पहले तो डॉक्टर दीप्ति कटारिया, आप हमारे चैनल पे आई हैं हांसी की आवाज़ पे, आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। थैंक यू एंड आई थैंक टू यू ऑल्सो कि मुझे यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे आने का आपने मौका दिया है, और इस मैसेज को स्प्रेड आउट करने के लिए कि इसका ट्रांसमिशन कैसे रोका जाए, कोरोना वायरस को किस हद तक हम रिस्ट्रिक्शंस और प्रिकॉशंस ले सकते हैं ताकि ये और ज़्यादा स्प्रेड ना हो, ये इंडिविजुअल लेवल पे ही वी कैन डू। कोरोना वायरस लास्ट ईयर जब था, जब स्टार्ट हुआ था, वुहान सिटी से स्टार्ट हुआ था दिसंबर 2019 में, और जनवरी में ये विद इन 3 मंथ्स 200 कंट्रीज से भी ज़्यादा इसने इन्वॉल्व कर लिया था, क्योंकि स्प्रेडिबिलिटी बहुत फास्ट थी और एक नया वायरस था ये हमारे लिए, और टेक्निक्स इतनी थी नहीं, मेडिकेशंस, रिसर्च वगैरह, वैक्सीन्स भी अवेलेबल नहीं थे, तो उस टाइम पे काफ़ी दिक्कतें हुई हैं। उसके बाद धीरे धीरे करके ग्रेजुअली मेडिकेशंस, वैक्सीन्स भी अवेलेबल हुई हैं, लेकिन तब भी ये क्यों स्प्रेड हो रहा है अभी, ये सबके मन में एक क्वेश्चन आता है कि सेकेंड वेव वैक्सीन आने के बाद भी, मेडिकेशंस आने के बाद भी इतना रेपिडली स्प्रेड क्यों हो रहा है। एक कारण ये है कि म्यूटेशंस वायरसेस में होती रहती हैं। म्यूटेशंस का मतलब क्या है वायरस में? बहुरूपिया हो जाता है। बिल्कुल, या तो वो खुद के लिए बेनिफिशियल होगा, ऐसी म्यूटेशन लेके आएगा ताकि वो ज़्यादा जल्दी मतलब सर्वाइव कर सके और दूसरों के लिए ज़्यादा हार्मफुल हो सके। तो ये जो म्यूटेशन है अभी वायरस में, ऐसी ही म्यूटेशन चल रही है जिसमें वो इजीली बहुत रैपिडली स्प्रेड कर रहा है। अगर लास्ट ईयर 1 से 10 को होता था तो अभी 1 से 5 को हो रहा है। डेज एक होता है कि अगर आप किसी पेशेंट के साथ टच में हैं, तो पहले ये था कि 7 से 14 डेज का इंक्यूबेशन पीरियड था, कि आपको इतना टाइम लग जाता है सिम्टम्स आने में। आज की डेट में सेकेंड डे से लेकर 14 डेज आपको विद इन 48 आवर्स भी सिम्टम आ सकता है। इट इज दैट मच इन्फेक्शियस। मैं डॉक्टर साहब ये पूछना चाहूंगा आपसे कि पहले सिम्टोमेटिक होता था कि ये सॉर्ट ऑफ नेजल कंजक्शन है, वायरल है, थ्रोट इन्फेक्शन है, अब किस किस तरह के, यानी कि सेकेंड वेव के अंदर जो आप म्यूटेट होके जो ये वायरस आया है, कैसे सिम्टम आते हैं? अभी जो सिम्टम्स आ रहे हैं, इट कैन इन्वॉल्व गैस्ट्रो, मतलब फीवर, वॉमिटिंग, डायरिया के साथ भी पेशेंट्स आ रहे हैं। डिहाइड्रेशन? डिहाइड्रेशन डेफिनेटली, बेसिक सिम्टम्स नहीं रहे अभी। पहले था कि फीवर, कफ, किसी को ब्रेथलेसनेस हो रही है तो कोरोना है, लेकिन आज की डेट में डायरिया हो गया, पेशेंट को वीकनेस है बहुत ज़्यादा, आई के सिम्टम्स हैं, कंजक्टिवाइटिस, यूवेआईटिस आप कह सकते हैं, और इवन हार्ट अटैक के साथ भी, कार्डियक अरेस्ट के साथ भी हैं पेशेंट्स। कार्डियक अरेस्ट के साथ भी? बिल्कुल बिल्कुल, हार्ट को भी इन्वॉल्व कर रहा है, और अभी ब्लड क्लॉटिंग के भी चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तभी हम पेशेंट को ब्लड थिनर्स भी देते हैं एज अ पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट इन कोविड पेशेंट्स। तो
इसको स्प्रिन वगैरह आप ये हिपेरिन देते हैं हम लोग, इंजेक्टेबल रहता है हिपेरिन, वो दिया जाता है ब्लड थिनिंग के लिए, क्योंकि ये इसके साथ साथ कोविड के बाद लंग डैमेज बहुत लंबे टाइम तक, लंग्स कंजक्शन भी होता है, बिल्कुल बिल्कुल। और अभी काफ़ी हद तक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल ही चेंज हो गया है, क्योंकि इतने टाइम में देखा एक साल में पेशेंट्स को ट्रीट करके कि अभी कैसे जल्दी से जल्दी हम ट्रीट कर पाएँ। पहले हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन एक दवाई आई थी जो मलेरिया में भी यूज़ करते हैं, उसको बहुत रैपिडली यूज़ किया गया, लेकिन फिर बाद में रिसर्च हुई कि इसका ज़्यादा कुछ इफेक्ट है नहीं। रेमडेसिविर है, उसका भी आजकल ऐसे अवेलेबिलिटी नहीं है, लेकिन अभी भी ये कह रहे हैं कि इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है वो मेडिसिन। टोसिलिज़ुमैब है, उसका भी रोल बताया जा रहा है कि ये भी काफ़ी इफेक्टिव है। मैम मेरा क्वेश्चन आपसे सीधा ये है डॉक्टर साहब, कि अब सिम्टोमेटिक अलग अलग आने लगे हैं, डायरिया का है और आपने बताया कि डिहाइड्रेशन का है, अलग अलग, वो सिंपल पेटेटिक के बाद बच्चों को ले जाए या किसी और फिजिशियन के पास लेके जाए, सीधा कहते हैं कि पहले कोरोना टेस्ट कराइए। हाँ जी देखिए, क्योंकि अभी कोविड टेस्ट वो ट्रीटमेंट देने से मना भी करते हैं, क्योंकि देखो कोविड पॉजिटिव हर कोई सेंटर अलॉट नहीं है एज अ कोविड सेंटर, तो जो कोविड सेंटर नहीं है तो उनको अलाउड भी नहीं रहता है, इफ दैट सेंटर इज नॉट इक्विप्ड, वेल इक्विप्ड, तो दे कांट ट्रीट कोविड पॉजिटिव पेशेंट, क्योंकि उनके लिए फिर मेडिको लीगली उनके लिए इश्यूज हो सकते हैं। हाँ, तो इसलिए उनको रेफर करना पड़ता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि डॉक्टर्स आगे से नहीं करना चाहते कि कोविड पॉजिटिव है तो हम ट्रीट नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। अभी यहाँ पे कितने स्किन पेशेंट्स मैं भी देखती हूँ, कोई भी कोविड पॉजिटिव भी हो सकता है, बट इट्स माई ड्यूटी टू ट्रीट देम, मुझे स्किन वाइज देखना होता है। तो उनको एडवाइस करते हैं कि कोरोना टेस्ट करें। हाँ, कुछ पेशेंट्स ऐसे आते हैं जिसमें थोड़ा एटिपिकल पिक्चर होता है, जैसे हमारी स्किन कंडीशन जो भी होती है थोड़ा सा पिक्चर डिफरेंट हो सकता है, और ऐसा बहुत कम केसेस में देखा गया है कि कोविड होने से पहले, कोविड के सिम्टम्स आने से पहले स्किन के सिम्टम्स आए, ऐसे स्टडीज भी हुई हैं। इवन स्किन के सिम्टम्स, बिल्कुल 458 पेशेंट्स कन्फर्म्ड केसेस में स्टडी की गई है, जिसमें 42% केसेस में पेशेंट को बाद में डेवलप करता है आफ्टर कोविड पॉजिटिव, और 20% केसेस में ऐसा होता है कि पेशेंट को कोविड पॉजिटिव होने से पहले। अब हम वार्ता को और तरफ ले जाते हैं, ये आपने सिम्टोमेटिक बताया, इसके प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या हैं जो आप बीइंग ए डॉक्टर, मेडिकल डॉक्टर, यानी कि आप तो एमडी स्किन हैं। देखिए प्रिकॉशनरी मेजर सबसे पहला तो है कि यू हैव टू वेयर वेल फिटेड मास्क, ऐसा नहीं है कि सिंगल मास्क, अगर आपका वेल फिटिंग नहीं है तो दैट इज ऑफ नो यूज, आपको अगर डबल मास्क पहनना पड़े, क्योंकि इट शुड कवर नोज योर दिस माउथ ये चिन, पूरा कवर होना चाहिए और बिल्कुल स्नगली फिट होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि इधर से स्पेसिस हैं या लूप होल्स हैं जहाँ से जो भी पार्टिकल्स हैं वो अंदर आ सके, तो डबल मास्किंग भी आज की डेट में एडवाइजेबल है, लेकिन वेल फिटिंग होना चाहिए मास्क का आपका। अच्छा, सेकंड सेकंड इज सोशल डिस्टेंसिंग, दैट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। ज्यादा लेमन लैंग्वेज मेडिकल टर्म्स में आप क्या बताती हैं इम्यूनिटी बूस्टअप करने के लिए? इम्यूनिटी बूस्टअप के लिए देखिए, यू हैव टू मतलब यू शुड हैव अ हेल्दी लाइफस्टाइल, आपका लाइफस्टाइल हेल्दी होना चाहिए, जैसे योगा, एक्सरसाइज, जॉगिंग, वॉकिंग, दैट इज वेरी मच रिक्वायर्ड, एंड आपकी डाइट दैट शुड बी वेरी हेल्दी, अवॉइडिंग जंक फूड, आप सीधा जस्ट ज़्यादा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, वो तो पहले से ही चलता आ रहा है, बस ये कि इस कोरोना के पैंडेमिक में ज़्यादा इसके ऊपर फोकस आ गया है कि हमें ऐसा फॉलो करना चाहिए, डाइट रेजीम भी और एक्सरसाइज रेजीम भी। इसके ये वैक्सीन जो इजाद हुआ है कोविशील्ड और कोवैक्सीन, हाउ मच इट इज इफेक्टिव? एफिकेसी है इसकी, एफिकेसी है दोनों, बिल्कुल डेफिनेटली है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोवैक्सीन या कोविशील्ड लगाने के बाद, ऐसा भी नहीं बोल सकते कि इन दोनों में से बेटर कौन सी है, बोथ आर इक्वली गुड एंड बोथ आर इफेक्टिव, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये वैक्सीन लगाने के बाद आप पॉजिटिव नहीं हो सकते, यू कैन गेट इन्फेक्शन डेफिनेटली, लेकिन उसका जो सीवियरिटी है, इंटेंसिटी है कोरोना वायरस का, वो रिड्यूस हो जाता है। तो काफ़ी पेशेंट्स जो हैं, काफ़ी पब्लिक में यही एक मिथ है कि ये कितना कंटेंजियस है सेकेंड वेव वाला वायरस? नहीं, इट्स वेरी मच इन्फेक्शियस, मैंने बताया जैसे कि आपको अगर एक से पहले 10 पेशेंट को होता था तो अभी ये स्प्रेडिबिलिटी ऐसा हुआ कि एक पेशेंट कैन इन्फेक्ट, वन पेशेंट कैन इन्फेक्ट 5, तो इतना रैपिडली स्प्रेड हो रहा है। ये एयर पार्टिकल्स से भी आता है क्या? बिल्कुल आता है, इसका मेन जो है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से होता है। ड्रॉपलेट? हाँ जी, कोई भी इन्फेक्टेड पेशेंट है, आप
while coughing, sneezing or talking, जो भी droplets रहते हैं जो release होते हैं air में, so that can infect other person. डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद. ये थी डॉक्टर दीप्ति कटारिया, जिन्होंने बिल्कुल इसकी सीवियरिटी के बारे में, इंटेंसिटी के बारे में, सेकंड वेव का जो कोरोना है उसके बारे में बताया और कहा कि ये बहुत सीवियर है और आप अपने आप को बचा के रखिएगा, इम्यूनिटी को बूस्टअप कीजिएगा, कंटेंजियस है, इन्फेक्शियस है. और उन्होंने बताया कि खाली वायरल से ही सिम्टोमेटिक नहीं है, और तरह के भी सिम्टम्स आते हैं. जैसे ये खुद एक स्किन स्पेशलिस्ट है. डॉक्टर साहब आप हमारे चैनल पे आए, सो नाइस ऑफ यू. हम आपका हृदय की गहराइयों से स्वागत करते हैं. बेटे आप तो हमारे बेटे की तरह हैं. मेरे दोस्त की बेटी हैं सुभाष कटारिया जी, जो एक्सेंट रिटायर हुए एमएम पब्लिक स्कूल के चेयरमैन हैं. तो आपका सो नाइस ऑफ यू आप हमारे चैनल पे आए. और इसी तरह डॉक्टर्स अक्सर यानी कि भगवान होते हैं माना जाता है, और भगवान से कम भी नहीं होते, पेशेंट को ठीक करते हैं. इसी तरह ये दीप्ति कटारिया जो लगी रहती हैं इसके अलावा, तो हम आपको दुआ करते हैं अभी आप भी स्वस्थ रहें और हम लोगों को भी आप स्वस्थ रखें. बिल्कुल बिल्कुल. एंड वन लास्ट मैसेज कि इस पेंडेमिक को आगे और स्प्रेड करने से रोकने के लिए हर एक इंडिविजुअल को अपने लेवल पे करना पड़ेगा. आप अगर गवर्नमेंट का वेट करेंगे लॉकडाउन के लिए या और रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज करने के लिए, इट्स बेटर कि आप खुद ही अपनी एक्टिविटीज और मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कीजिए. अगर ज़रूरत है तभी आप घर से बाहर जाइए, और क्राउडेड प्लेसेस पे जस्ट अवॉइड, सोशल गैदरिंग्स अवॉइड करिए, क्योंकि अभी इन 3 महीनों में पीक आएगी, बहुत रैपिडली बढ़ने वाला है. तो जस्ट स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी, वेयर मास्क, कीप सोशल डिस्टेंसिंग, ईट हेल्दी. थैंक यू डॉक्टर साहब ने बिल्कुल एक वन और सब कुछ प्रिकॉशंस लेके चलिए. इसी तरह हम ऐसे ही कॉम्पिटेंट डॉक्टर्स से मिलवाते रहेंगे. मैं मेरे रिपोर्टर रवि सैनी के साथ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और इसे देखिएगा ज़रूर, आपके लिए बहुत काम की वीडियो है.